बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार करने में लगी हैं। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन्हीं सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की अगर चर्चा करें तो आप सब जानते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मनमुटाव की खबरें लगातार सुनने में आ रही हैं। ये दावा किया जा रहा है शहनवाज हुसैन अपनी पार्टी से खफा हो गए हैं। शहनवाज हुसैन को ना ही बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया, ना ही भागलपुर से टिकट देकर मैदान जंग में उतारा, जबकि शहनवाज पार्टी के प्रति अपनी वफादारी हमेशा साबित करते आए हैं। तो ऐसे में शहनवाज हुसैन की बीजेपी से नाराजगी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच में शहनवाज हुसैन सामने आए हैं, निशाना साधा है एक बार फिर से कांग्रेस पर। वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना को समर्थन देने वालों को टिकट देकर अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करके अलगाववादियों की भाषा बोल रही है। कांग्रेस अलगाववादियों की भाषा बोलती है जो शर्मनाक है। कभी कांग्रेस जिन्ना की तारीफ करने वालों को, उनकी तस्वीर पर गर्व करने वालों को टिकट देती है, तो कभी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की बात करती है। देश और बिहार की जनता जिन्ना की तारीफ करने वालों को टिकट देने और अनुच्छेद 370 की बहाली की वकालत को लेकर कांग्रेस पार्टी को कभी क्षमा नहीं करेंगी। मुझे पूरा भरोसा है नीतीश कुमार की अगुवाई में अपार बहुमत से राजग विधानसभा चुनाव जीतेगा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने हाल ही में ट्वीट किया था, जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के वास्ते एक साथ आना ऐसा घटनाक्रम है जिसका सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। इसी को लेकर शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।